हे माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे पीछे ये देखिए, ये है एलजी का इलेक्ट्रिक वर्जन कॉमेट। तो मेरे सामने यहाँ पे इधर ये वो बताएंगे कि इसका स्पेसिफिकेशन, अगर आप लोग सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के तो उसका रेंज कितना होगा, प्राइस कितना होगा, इसका फीचर्स, स्पेशल फीचर्स क्या क्या, वो सारा चीज़ वो बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए दोस्त। मेरा नाम विदय कुलकर्णी है, रिलेशनशिप मैनेजर है। आप इसके बारे में थोड़ा बताइए हम लोग और व्यूअर्स को बताइए। कॉमेट है जो मतलब जस्ट अर्बन, सपोज इतने अर्बन रेडिंग बेस्ट सूटेड क्योंकि इसी कुछ पार्क है, आपको इसमें ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं। तो टर्निंग रेडियस भी बहुत ज़्यादा नहीं, 4.2 मीटर का टर्निंग रेडियस है। लेंथ भी अगर आप देखें तो 3 मीटर के अंदर 7.4 mm का उसका लेंथ है। टायर के बारे में थोड़ा बताइए। इसका इसमें 12 इंच का आपको जो एलॉय मिल जाता है, उसके ऊपर एक व्हील कवर रहता है। व्हील कवर का बेसिकली एक्चुअली व्हील कवर एलॉय रहने से जरूरत नहीं पड़ता, बट उसका वजह से ये है कि एयर कट जो है वो जो होल होता है उसमें नहीं घुसता है, तो उसको ट्यूबलेस है। और उसमें काफ़ी सुंदर लग रहा है, बड़ा भी है, जिसकी वजह से आपको मतलब जो पैक करेंगे जब तो आपको तो बहुत आसानी होगा। इसमें एलईडी लाइट भी लगा हुआ है। जी जी जी। तो ये क्या ऑटोमेटिक वो होता है? ऑटोमेटिक फोल्डेबल नहीं। और इसका चार्जिंग है इलेक्ट्रिक है फुल्ली, तो इलेक्ट्रिक है। इसका सबसे पहले तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि अगर बैटरी ख़त्म हो गई कहीं जाते जाते और फिर चार्जिंग स्टेशन का थोड़ा सा इश्यू है, और फिर कितना समय लगता है ये फुल चार्ज होने में? कितना टाइम लगता है फुल चार्ज? अगर आप 0 to 100 करेंगे अराउंड 6 to 7 hours. एंड अगर 10% है, 10% अगर करेंगे देन इट विल टेक अराउंड 5 hours. अगर इसका माइलेज कितना देगा अगर फुल चार्ज कर देगा? अगर आप फुल चार्ज करेंगे क्योंकि अराउंड अगर आप AC गाना सब कुछ अलग है 200 किलोमीटर। बैक साइड में थोड़ा अच्छा लग रहा है, बैक साइड में अच्छा लग रहा है। और ये जो टाटा इसके साथ कंपैरिजन, अभी हम लोग देखेंगे बैक साइड, ये देखिए हमें ये फुल ज़्यादा बैक साइड, इसके बारे में थोड़ा क्या क्या है आपको? इसमें जैसे आपका ये इसमें पीछे में आपका चार्जर है, एक पोर्ट चार्जर दिखाना ज़रूरी है, थोड़ा चार्जर दिखाना। इसमें आपका चार्जर ये रहेगा। अच्छा, ये फोल्डेबल है जी, 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं सीट को, इसके साथ आपको चार्जर मिलता है। ये दिखा दो, ये देखिए। तो जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स का जो चार्जर होता है कुछ इस तरीके का होता है ये लोग आप, और ये आपका बेनिफिट का ये है कि इसका कोई भी 16 एम्पीयर का जो सॉकेट रहेगा आपका बड़ा वाला, उसमें कहीं पर भी लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। घर पर भी लगा सकते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में भी लगा, पार्किंग में लगा चार्ज कर सकते हैं, रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आजकल इसका सुविधा होता ही है, नहीं है तो भी कोई 16 एम्पीयर प्लग में लगा कर चार्ज कर सकते हैं। मतलब मुझे ये लग रहा है कि लैपटॉप का जो चार्जर है इस तरीके का लगेगा, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसमें ये हो जाएगा सर, वो 16 एम्पीयर का सॉकेट अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये खुलता है क्या? जी जी जी। अच्छा, इसको सामने से आप लोग को दिखाऊंगा इसके, मतलब यहाँ से चार्जिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से ट्रांसमिट होता है। हाँ, इसको फ्रंट में लगाना होगा आपको, फ्रंट में थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे। श्योर श्योर श्योर। आइए इसको चार्ज कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्ज मतलब चार्ज कैसे होता है। ये देखो पहले से खोलिए आप एक बार फिर से, हाँ बंद करके। हाँ ओके, ये फ्रंट साइड में होता है चार्जिंग, जैसे ये देखिए। जस्ट इसको प्लग करना, तो इस तरीके से मतलब चार्जिंग
कौन सा इससे होता है मतलब यहाँ पे चार्जिंग होता है इसके अंदर में बैटरी इसके अंदर में बैटरी के बारे में थोड़ा साइज बैटरी पीछे है एक्चुअली पीछे में नीचे रहता है उसका 7.3 kWh लिथियम आयन बैटरी है और उसका वारंटी है आपका 8 years एंड 1.8 lakhs तक ओके अंदर में थोड़ा देखिए श्योर श्योर घर पे आपका सेट सेट करके जाएंगे एमडी से और भी बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्या ऐसा होता है कि सपोज मैंने रात भर चार्ज करके रख दिया अगर फुल हो गया तो जैसे कि मोबाइल जो हाँ, होता है वो 100% ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो जाता है बीच में भी हो जाता है इससे भी हो जाता है सीट को भी आप चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं अगर आप कभी मतलब दो जन जा रहे हैं और सामान लेके जाना है लगेज स्पेस चाहिए आपको तो ये दो स्प्लिट करके आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं लेता सकते हैं और ये कितना सीट का है फोर सीटर चार्जिंग के लिए और अंदर भी थोड़ा देखते हैं हम अंदर भी थोड़ा चाबी ऑन करके भी दिखाएंगे सब कुछ इसका दरवाजा देखिए ना इसका डोर देखिए कितना बड़ा है डोर ये देखिए काफ़ी बड़ा है इसका लेंथ कंफर्टेबल बहुत है और आप बॉडी भी चेक कर सकते हैं सर पास लेकर आप इसका बॉडी भी बहुत इसका बॉडी के बारे में बताइए इसका आपका चिप ये जो आपका बना है एक्चुअली GSV प्लेटफॉर्म बोलते हैं हम लोग टोटल स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल उस पर बना हुआ है और 16 स्ट्रिंजेंट टेस्ट किया हुआ है इस बॉडी के ऊपर टेस्ट किया उसके बाद इसमें क्या देखा बहुत सारे दूसरे गाड़ी में थोड़ा छोटा 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 है बड़ा दिया है देखो बहुत सारी चीज़ें जो है जी ध्यान से रख सकते और अंदर थोड़ा LED वगैरह आप अंदर बड़ा दिन उतर सकते देखो सामने से दिखाता हूँ आप लोग को यहाँ पे क्या क्या है ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे AC वगैरह क्या क्या है थोड़ा बता दीजिए इसमें आपका बेसिकली ये इसमें आपका ये वाला AC कंट्रोल है ओके AC कंट्रोल मैनुअली इसको आप जस्ट टच करेंगे तो ऑन हो जाएगा ऑन हो जाएगा उसके बाद आप इसको स्टार्ट करने का बहुत इजी तरीका है जस्ट आपको बैठना है गाड़ी पर बैठ कर टॉप मॉडल है तो स्मार्ट स्टार्ट सिस्टम है आपको चाबी लगाने का जरूरत नहीं ओके यहाँ से यहाँ से स्विच में जस्ट आप पॉकेट में रख लीजिए अपना ये चाबी बैठिए ये ब्रेक जो है इसको दो बार प्रेस करें पर हाँ इलेक्ट्रिक ये में स्टार्ट हो जाएगा ओके इलेक्ट्रिक ये व्हीकल में इसमें क्लच वगैरह तो नहीं रहता है सर नहीं 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 क्लच नहीं एक होता है आपका एक्सेलरेटर इसमें जस्ट एक्सेलरेटर एंड ब्रेक सिर्फ दो ही चीज़ है मतलब बहुत आसान होगी हाँ और इसको स्टार्ट करने का कोई आपको पुश बटन प्रेस करने का जरूरत नहीं कुछ नहीं करना जस्ट आपको की पॉकेट में रखना इस ब्रेक को दो बार प्रेस करना दैट इज स्टार्ट दो बार अगर फिर ऑफ करना है तो ऑफ करना है तो बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये बिल्कुल मोड्स लगा रिवर्स आर फॉर रिवर्स एन फॉर न्यूट्रल एंड डी फॉर ड्राइव आगे जाना है तो ड्राइव मोड पीछे जाना है तो आर मोड रिवर्स और न्यूट्रल जैसे आप गाड़ी रुका हुआ है तो न्यूट्रल पर जैसे आप गाड़ी रोक मतलब को बंद करना है अब न्यूट्रल पर आइए हैंड ब्रेक उठा दीजिए एंड देन बाहर चले जाइए और लॉक कर दीजिए बस और कुछ नहीं करना बहुत ईजी है गाड़ी बंद सिंपल एंड ईजी है ना मतलब जो नए नए हैं उन लोग के लिए तो ये सही रहेगा सर चलाने सीखने के लिए बहुत ही ईजी टू क्लच का यूज ही नहीं है और आपका ड्राइव करने भी बहुत है ईजी है पार्किंग करेंगे उसके लिए भी क्योंकि आगे में आपका बोनेट से निकला हुआ होता है इसमें नहीं है तो इन दैट केस क्या होता है स्पेस बहुत कम चाहिए उसको घूमने के लिए नहीं तो बात बहुत ऐसा होता है कि जब ईजी चला तो आगे कहीं लग ना जाए बोनेट लंबा होता है बिल्कुल तो इसका बोनेट भी मतलब बहुत छोटा है तो इससे मतलब बहुत आसान हो जाता है इसमें मोड्स भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपका ये अभी स्पोर्ट्स मोड है इसको आप इको मोड पे चला सकते हो नॉर्मल मोड इको मोड और स्पोर्ट्स मोड ये तीन मोड है तो इको मोड चलाएंगे तो उतना ही आपको माइलेज वगैरह मतलब जो आपका रेंज में चलाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगा उसके साथ माइलेज मतलब थोड़ा सा कम मिलेगा बट इसका हाई स्पीड के बारे में बताएंगे मतलब कितना इसका हाई स्पीड आप 100 तक चला सकते हैं 80-100 तक ठीक है बगल में देखें तो आपका डुअल एयरबैग्स आता है आपको दोनों में फ्रंट डुअल एयरबैग्स उसके साथ आपको DRV कैमरा मिलता है अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैमरा अच्छा DRV कैमरा टॉप मॉडल में ये कैमरा आ जाता है आपका अच्छा अच्छा लेकिन वो पहले वाला जो मॉडल है उसमें नहीं है नहीं बेस मॉडल और दूसरा वाला जो प्ले मॉडल है फर्स्ट हम लोग का बेस मॉडल फेस है दूसरा प्ले उसमें कैमरा नहीं आता उसमें लगा
इसमें तो सारा स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा बता दिए आप लोग का, अगर डाउट होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या पहाड़ पे चल सकेगा नहीं चल सकेगा, सारा बता दिया। फिर फुल चार्ज करने के लिए कितना समय बोला आपने? 5 to 7 hours। 5 to 7 hours के अंदर में ये जो है चार्ज फुली चार्ज हो जाएगा। कि ये फास्ट चार्जिंग सिस्टम ऐसा वाला नहीं, स्लो चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, क्योंकि उसमें फास्ट चार्जिंग काम नहीं करेंगे। आपका 17.3 kilowatt का लिथियम है मेरी बैटरी, तो ज़रूरत नहीं है उसमें, स्लो चार्जिंग नहीं हो जाता। तो माइलेज कितना बना आपने? फुल चार्ज करेंगे 200 kilometer फॉर श्योर, 200 kilometer आपको देगा ही देगा। ये अगर 230 क्लेम्ड है कंपनी का, 230 भी मिलेगा, बट इन दैट केस आपको एसी बंद करना पड़ेगा, गाना चाहिए चलना पड़ेगा, और स्पीड लिमिट 40 है, तो आपका 230 तक भी एक्सटेंड होगा। 200 श्योर। ओके, गाना वगैरह आप लोग अगर चलाते हो एसी चलाते तो माइलेज जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया था कि अबाउट द सर्विसिंग सेंटर, बहुत लोग का ये कॉन्सर्न रहता है कि इफ़ आई बाई दिस कार इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अगर सर्विसिंग सेंटर का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा सोचते हैं, तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? सर्विस सेंटर गुवाहाटी में हम लोग का जो शोरूम के पास में ही है सर्विस सेंटर, कुछ इशू नहीं है। और जैसे कि सर्विस सेंटर का कुछ मतलब आपको सर्विस करवाना है, जस्ट हम लोग का ऐप है MIMG ऐप है, वहाँ से भी सर्विस बुकिंग कर सकते हैं। आपको जस्ट एक फ़ोन घुमाना है, बाकी यहाँ से जाके अगर आप आ नहीं पा रहे हैं, इधर के पिकअप एंड ड्रॉप भी अवेलेबल है, तो गाड़ी लेके सर्विस करके फिर आपको दे के भी आएंगे। तो इतना फैसिलिटीज है, आप लोग को जरूर लेना चाहिए, मैं तो कहूँगा। इसका दाम थोड़ा प्राइसिंग, फिर प्राइस के बारे में थोड़ा बता दें, फिर एक बार थोड़ा प्राइस के बारे में बता देना चाहिए। आपका स्टार्टिंग मॉडल जो है हम लोग का कॉमेट पेस, वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग मॉडल 698,000 स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस, और टॉप मॉडल आता है 8,58,000। इसमें कलर का जो वेराइटी मिल जाएगा, अगर आप ब्लेसफोरी वेरियंट लेते हैं पेस में, कॉमेट पेस, उसमें आपको सिर्फ व्हाइट कलर मिलेगा। अगर आप सेकंड मॉडल पे जाते हैं उसमें व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर मिलेगा, और अगर आप टॉप मॉडल में आते हैं व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर, साथ ही में ड्यूअल टोन कलर, व्हाइट एंड ब्लैक एंड एप्पल ग्रीन एंड ब्लैक, ये कलर भी। और सपोज मैंने यहाँ पे खरीदा और मैं सपोज मैं सर्विस करना चाहता हूँ, सपोज मैं दूसरा स्टेट, इफ़ आई ट्रेवल टू अनदर स्टेट, दूसरे स्टेट में चले गए, तो वहाँ पे जाके सर्विसिंग वगैरह? बिल्कुल, MG का पैन इंडिया कोई भी MG डीलरशिप सर्विस में आप सर्विस करवा सकते हैं। क्या पहले देखा कि बहुत सारे जो कंपनीज है वो लोग फास्ट सर्विसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा होता है ऐसा कहते हैं, तो आप लोग का ये कॉमेंट? पहले हम लोग का जैसे आपको हम लोग का फर्स्ट 2 सर्विसिंग फ्री है, उसके बाद आपको जैसे गाड़ी आप ले रहे हैं, मैं गाड़ी में एक चीज़ आपको बता दूँ, आपको गाड़ी में ये बैटरी का जैसे वारंटी 8 years 1.2 lakh kilometer मिलता है, गाड़ी का वारंटी आपको 3 lakh 3 years 1 lakh kilometer मिलता है, साथ ही में 3 years RSA रोड साइड रेसिस्टेंस जो है वो भी मिलता है, उसके साथ 3 लेबर चार्जेस जैसे आप सर्विसिंग करेंगे, पहले दो सर्विस फ्री है, उसके बाद आपका थर्ड सर्विस से पेड सर्विसिंग स्टार्ट। इन दैट केस जो आपका नेक्स्ट जो सब पेड सर्विसिंग करेंगे उसमें आपका तीन सर्विस जो करेंगे उसमें 3 सर्विस 3 लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस आपका बिल्कुल फ्री है। ओके, और हाँ, ये फुल स्क्रीन टच है? यस, फुल स्क्रीन टच है, और ये आपका ट्विन डिस्प्ले आता है यहाँ से। अच्छा, ये आपको सेकंड मॉडल और टॉप मॉडल में मिलता है, प्ले और प्लस वगैरह सब कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं, वीडियोस वगैरह वो सब चला सकते हैं? वीडियोस तो सर नहीं चलेगा, ऐसे USB में लगा के उसमें देख सकते हैं। अच्छा, जब हैंड ब्रेक में रहना पड़ेगा, चलते टाइम पे आप नहीं देख सकते, बट इन दैट केस आप एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो से आपका जो भी मोबाइल में एप्स है तो सपोर्ट करता है, तो वो एंड्रॉइड काम करेगा, iOS एंड्रॉइड दोनों सपोर्ट। जी 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 जी, तो ये था MG कॉमेट, MG कंपनी का कॉमेट इलेक्ट्रिक वर्जन का कार, आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा, मैंने जितना हो सके उनको पूछ के मैंने बता दिया, अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनको पूछ के मैं फिर से आप लोग को बता दूंगा। और आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो ये लोकेशन थोड़ा बता दीजिए, कहाँ कहाँ पे आप लोग का शोरूम है? शोरूम है ये गौरचुक पे, रॉयल ऑर्किड बिल्डिंग जस्ट नियर बाय गौरचुक पुलिस स्टेशन, क्रॉस करके आपका सामने। कब कब खुला रहता है अगर कोई खरीदना चाहते हो? हम लोग का टाइमिंग है आपका 9:45 to 6:45 के टाइम पे, आप कभी भी आ सकते हैं शोरूम पर, विजिट कीजिए, कॉल कीजिए, एवरीथिंग। और हाँ, संडे में अगर कोई आके खरीदना चाहता है, संडे में क्या ओपन रहता है? संडे में ऐसा ओपन नहीं रहता है, बट अगर आप किसी से मतलब आप बात करेंगे, रिलेशनशिप मैनेजर जो भी है आपका शोरूम का, उससे एक बार बात कर लीजिए, कंफर्टेबल हम मैनेज करके संडे में जो भी होगा कंसर्ट पर पर्सन, वो आके आपको टेस्ट ड्राइव हो चाहे कुछ भी आपको डिलीवरी लेना है वो देख कर देंगे। ओके, सो आई विल गिव यू द नंबर ऑन योर स्क्रीन, आपको दिखाई देगा इन लोगों का नंबर, वहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते। तो ये था
इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा आप लोग को बता दिया। सो मिलेंगे अगले से इंटरेस्टिंग कंटेंट पे, और हम लोग मुझे टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट पे। उसके तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ ही रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।